नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में दीपावली के त्यौहार पर मिट्टियों से बने गणेश व लक्ष्मी जी की मूर्तियों की बहुत डिमांड होती थी। मूर्तिकार मूर्तियों की सप्लाई नहीं कर पाते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण मूर्तिकार भी भुखमरी के शिकार हो गए हैं और ट्रेनों के ना चलने की वजह से मूर्तियां बाहर नहीं भेजी जा पा रही हैं। इससे मूर्तिकारों के लिए परेशानी हो रही है। शहर के गुरमी टोला निवासी धीरज मूर्तिकार का कहना है कि एक तो मिट्टी नहीं मिल पा रही है क्योंकि खनन वाले परेशान करते हैं, दूसरे इस मूर्ति के पुश्तैनी काम में मेरे परिवार के दर्जनों लोग लगे हुए हैं जो पूरे शहर मूर्ति बनाते हैं, और दिवाली के त्यौहार पर हमारी मूर्तियाँ अच्छे दामों में बिक जाती थी और इससे हमारे घर परिवार का भरण पोषण हो जाता था। धीरज ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मूर्तिकारों को सरकार आर्थिक मदद दे जिससे उनका परिवार दो जून की रोटी इज्जत से खा सके। आइए सुनाते हैं कि मूर्तिकार धीरज ने क्या कुछ कहा। मिट्टी के हम लोग बनाते हैं, स्थिति है कि जो है लॉकडाउन के ग्राहक हमारे यहाँ खरीदारी नहीं कर पा रहे और मूर्ति जो है क्या नाम है कि जो दूर दूर तक जाए रुकावट हो जा रहा है, जिससे कोई ट्रेन भी नहीं चल रही जिससे चालू ट्रेन होती है, अब उसकी वजह से और खनन वाले मिट्टी के लिए हम लोग को बहुत परेशानी डाल रही है, इसलिए हम लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें नहीं बना पाए। तो ये क्या क्या बना लेते हैं आप इसे? हम लोग मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जैसे किशन जी हुआ, गणपति मूर्ति हुआ, ये सब हम लोग बनाते हैं सर, और जो है इसी वजह से हम लोग रोजी रोटी चलती है। अब कभी कभी क्या नाम है कि जब रुकावट हो जाती है तो कहाँ से दुकान, पूरे साल काम चलता है आप लोगों का? जी, बारह महीना यही हमारा रोजी। कितना कमा लेते हैं एक मूर्ति से? यही एक दिन में कम से कम 400-500 रुपए पड़ जाता है। पूरा परिवार आपका लगा हुआ है? जी,